सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप लोग। सो जैसे कि कल और आई गेस कल ही कुछ बच्चों को मेल आया है कैंसिलेशन मेल कि उनका एडमिशन जो है वो फाइनली कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये मेल जो है वो उन बच्चों के पास आया है शायद जिन्होंने अंडरटेकिंग फिल किया है, मतलब अंडरटेकिंग फिल किया था, और या फिर तो जिनके कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है और उन्होंने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट नहीं किया है। ओके, तो इस सिचुएशन में कई सारे बच्चों के एडमिशन कैंसिल हुए हैं। तो बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पे वो मेल नहीं है, मुझे सिर्फ पता चला है कि कुछ बच्चों के पास ऐसा मेल आया है। और अगर आप लोगों को पता करना है, वैसे तो आप लोग अपनी मेल आईडी पर चेक करो जिस भी मेल को आपने, मतलब जो भी मेल डाली थी आपने, और अगर आपके मेल पे आया होगा तो फिर आप ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। और अगर आपको मेल नहीं मतलब मिल रहा है तो आप अपने पोर्टल पर जाकर लॉगिन करो। पोर्टल पर जब लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पर अपने जहाँ पर पे लिखा होता है, पेमेंट डन वाला जो ऑप्शन था वहीं पर आई गेस कुछ और लिखा हुआ आ रहा है कि योर फॉर्म इज़ कैंसिल और समथिंग लाइक दैट। सो गाइज, ऐसे बच्चों के एडमिशन कैंसिल हुए हैं, तो अब आगे आप लोगों को क्या करना है, या तो आप फैकल्टी जाके विजिट करो और वहाँ पर बात करो कि आप लोगों के एडमिशन को दोबारा से रीओपन किया जाए, मतलब आपका एडमिशन जो है वो किया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 31st की डेट थी, 31st के बाद आप लोगों के जो एडमिशन प्रोसेस थे वो क्लोज़ होने वाले थे, ये बात आपको पता था। तो 31st तक आप लोगों के पास एक्चुअली टाइम था अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, और बहुत बार दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने आप लोगों को बताया भी कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी पेंडिंग है उसको अपलोड करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने कर दिया है तो वेल एंड गुड, मतलब फिर भी जिन बच्चों, प्लीज़ गाइस अपना, अगर आपको मेल नहीं चेक करनी, मेल पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने पोर्टल पे ज़रूर लॉगिन करो। अगर आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली लिखा होगा कैंसिल समथिंग, और वो आप चेक कर सकते हो आपके पेमेंट वाले जहाँ पर पहले पेमेंट डन लिखा हुआ था वहाँ पर आएगा कि लिखा हुआ आएगा अब आप लोगों के पास। तो एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा, और जिसके ऊपर भी कैंसिल का लिखा हुआ आ रहा है वो सिर्फ अब एक ही काम कर सकता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओनली वन ऑप्शन यू हैव, आप जाके फैकल्टी विजिट करो और उनसे बात करो। अगर वो लोग आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को, अगर आप लोगों को चांस देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देते तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो चुका है गाइस। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक और, मतलब ये जो वीडियो है वो सिर्फ 5th कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि मतलब कई सारे बच्चे सोच रहे थे कि अब 5th कट ऑफ आनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि अब ये लोग 5th कट ऑफ रिलीज़ करेंगे, बट स्टिल 50-50 है। ठीक है, क्योंकि 50-50 नहीं है, मतलब कुछ हद तक कह सकते हैं 50-50 है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों के, अगर उन बच्चों के एडमिशन को कैंसिल किया गया है तो यहाँ पर कट ऑफ आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं, और 5th कट ऑफ भी आएगी। 5th कट ऑफ अगर आती है तो अगर हम उसके कट ऑफ प्रिडिक्शन करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप लोगों की लास्ट, मतलब 4th कट ऑफ अब तक आ चुकी है, 4th कट ऑफ में जो भी आपकी 4th कट ऑफ में जो भी आपके मार्क्स है वही आपके 5th कट ऑफ में रिपीट होंगे, क्योंकि और या फिर तो एक मार्क्स कम हो सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो प्लीज़ गाइस, जिसके भी 1 मार्क्स कम है, जितने प्रीवियस कट ऑफ है उससे 1 नंबर कम है, वो बच्चे अपना होप को देख सकते हैं, मतलब वो एक बार फिर से ट्राई मार सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ है तो आप लोगों की कट ऑफ ज़रूर आएगी, और अगर कुछ भी बच्चों का तब भी आएगी, क्योंकि सीट तो उनको एट द एंड फिल करना ही है। और जिन भी बच्चों का कैंसिल हुआ है गाइस, प्लीज़ डू विजिट वंस, मतलब फैकल्टी एक बार ज़रूर विजिट करो, सो दैट आप लोगों का जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। और अपना मेल ज़रूर एक बार, मेल आपको मैं चेक करते रहनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर वो लोग मेल पर आपको सब चीज़ बताने वाले हैं। और जिन बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल पेमेंट डन का ऑप्शन दिख रहा है, पेमेंट डन लिखा हुआ रहा है, तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो हो चुका है कम्प्लीट, और आप लोग अब हो इस टाइम फैकल्टी में। आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है, किसी को भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब कुछ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 31st December जो था वो लास्ट डेट था आपके एडमिशन का, और फाइनली ये वाला जो पॉइंट था वो इन लोगों ने कर दिया है। तो अब आप लोगों को जिनका भी पेमेंट डन ऑप्शन आ रहा है उनका एडमिशन पक्का शॉर्ट डन हो चुका है, पक्का शॉर्ट 100% आप लोगों का एडमिशन खत्म, मतलब आप लोगों का एडमिशन हो चुका है। ओके, सो होप आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी। और अगर जिस भी बच्चों का हुआ है कैंसिल, मतलब बहुत वैसा, मतलब ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था उन लोगों को, बट गाइस स्टिल आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है आप लोगों को, फिर भी अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किए हैं सही तरीके से, तो इसमें फैकल्टी की भी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम मिला है। और बस इस वीडियो में मुझे यही कहना है, मिलते हैं और किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय।